बहुत सारे छोटे छोटे राज्य हैं। इनमें से एक राज्य है जिसका नाम है त्रिपुरा। ऊपर से अगर देखा जाए तो इस राज्य की आधे से ज्यादा हिस्सा घने जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ है। वाकई ये राज्य बहुत ही छोटा है, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि इस राज्य में जितने छोटे छोटे शहर हैं, ये तो बहुत ही मॉडर्न शहर जैसे ही बन चुके हैं और इस राज्य की नागरिक भी बहुत ही सोशल और शिक्षित हो गए हैं कि कलकत्ता मुंबई या चेन्नई शहर से रहने वालों लोगों के साथ ज्यादा फर्क नहीं दिखाई देता। कैलाशहर टाउन में त्रिपुरा राज्य की बिल्कुल उत्तर में बांग्लादेश बॉर्डर के पास ये छोटी सी टाउन बहुत ही सुंदर बन चुकी है। साथ ही साथ में यहाँ की नागरिकों भी बहुत जेंटल, मॉडर्न और राजनीति पर अपना स्थान ऊंचा भी रख चुके हैं। चलिए देखते हैं इस शहर में क्या क्या है। शहर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यहाँ लोग इलाज के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। यह शहर से थोड़ा बाहर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं शहर की तरफ। टाउन जिस जिले की अंतर्गत है, इसका नाम है उनकुटी, इसलिए ये उनकुटी डिस्ट्रिक्ट टाउन है। इस टाउन में इंडियन एयरलाइंस का एयरपोर्ट भी था, पर किसी कारण कुछ दिनों के लिए इस एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। शहर के पास ही एक छोटी सी पहाड़ है जहां पर उनकुटी तीर्थ भूमि है। मिशन के कुछ अलग से कार्यक्रम बन चुके हैं। शहर के ज्यादातर प्रतिष्ठानों के नाम श्री रामकृष्ण नाम के साथ जुड़ा हुआ है। लगता है इस शहर के हर नागरिक इस मिशन से प्रेरणा लेते हैं। बिल्कुल छोटी सी दुकान से लेकर बड़े बड़े प्रतिष्ठान के नाम के आगे रामकृष्ण की नाम लिखा हुआ है। शहर के रास्ते और दुकान बहुत ही सुंदर और डिसिप्लिन्ड है। लोगों के चलने फिरने में बुनियादी स्टाइल नजर आती है। शहर के बिल्कुल बीच में यह है भगिनी निवेदिता गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, जहाँ बहुत सारे लड़कियां शिक्षा लेते हैं। इस मुख्य सड़क के साथ पूरे शहर जुड़ा हुआ है। शहर की मेन थाने के पास यह है एक बहुत ही सुंदर सा शनि मंदिर। जगह जगह पर बड़े बड़े भारतीय विद्वान और मनीषियों की स्टेच्यू बनाया गया है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। शिक्षा, बच्चों को खेल की शिक्षा देने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन और अच्छे अच्छे मैदान भी बना चुका है। देखिए कितना सुंदर ये बड़ा सा मैदान है, जहां पर हर रोज बच्चों ना खेल खेलते हैं। ये देखिए, हम दूर से एक स्कूल देख रहे हैं। इसका भी नाम है श्री रामकृष्ण शिक्षा प्रतिष्ठान। इस स्कूल के नाम के साथ भी श्री रामकृष्ण जी के नाम जुड़ा हुआ है। वाकई बहुत ही सुंदर है ये स्कूल। ये एक लाजवाब टाउन हॉल बनाया गया, जिसका नाम है उनकुटी कला क्षेत्र। यहाँ तो हर नागरिक का मनोरंजन के लिए पूरे इंतजाम करके रखा गया। बिल्डिंग इतना सुंदर है कि बाहर से तो बिल्कुल किसी पैलेस जैसे ही दिखाई देती है। वाकई इसे बनाने वाले को हजार सलाम।
स्कूल कॉलेज या पब्लिक प्रतिष्ठान द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ तरह तरह की कल्चरल प्रोग्राम साल भर लगी रहती है। इससे बच्चों के मन में एक सांस्कृतिक चेतना उसे बड़े बनने की आशाएं देती है। हमें नजर आता है इस टाउन हॉल की उल्टा दिशा पर ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की सत्संग आश्रम है। बहुत ही सुंदर है ये आश्रम। हर इंसान की चरित्र गठन के लिए ये सत्संग आज एक आदर्श बन चुके हैं। यह शहर की सबसे बड़ा डिग्री कॉलेज है जिसका नाम है श्री राम कृष्ण महाविद्यालय। यह कॉलेज बहुत ही पुराना है। यह है टाउन काली बड़ी। आप सोच भी नहीं सकते ये मंदिर कितना सुंदर है। इस मंदिर में कदम रखते ही आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। यहाँ की काली माता बहुत ही जागृत है। इंसान जो कुछ मांगते हैं उसकी सारी अभिलाषा पूर्ण हो जाती है, ये लोगों की मानना है। इस काली मंदिर की शुरुआत भी रामकृष्ण मिशन की महाराज ने किया। ये कैलाश शहर एक छोटी सी शहर है। यहाँ पर रहने वाले लोग इतना ज्यादा नहीं। चारों तरफ हरियाली, शांत प्रकृति और साफ सुथरा इस शहर में घूमना बहुत आसान और मजेदार है। इलेक्ट्रॉनिक टुक टुक के जरिए सिर्फ 10 रुपये में आप शहर की एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकते हैं। इस शहर में हर चीज की दुकान भी मौजूद है। दाम भी बहुत कम है। आप जो मर्जी खरीद सकते हैं। बाहर से आने वाला टूरिस्ट के लिए करीब 4-5 अच्छा सा होटल है जहां सिर्फ 300-400 रुपये में आप मजे से रह सकते हैं। शहर की पश्चिम दिशा पर एक बहुत ही बड़ा नदी है और इसके ऊपर बनाया गया है एक बहुत ही सुंदर मॉडर्न ब्रिज। इस पुल से जुड़ी है श्रीरामपुर, शहर के पास दूसरा गांव। इसका नाम के साथ भी श्री राम कृष्ण के नाम जुड़ा हुआ है। नदी के पास ही बसी हुई है श्री राम कृष्ण मिशन आश्रम। यह
ये है श्री रामकृष्ण मिशन की मुख्य आश्रम। ऐसा लगता है इस रामकृष्ण मिशन आश्रम की प्रेरणा से पूरे शहर चलता है, इसलिए कैलाशहर दूसरे शहर से बिल्कुल अलग है। शिक्षा, स्वच्छता, शालीनता और पवित्रता तो इस शहर की एक बड़ी गुण है, इसलिए ये छोटी सी शहर आज फूलों की तरह खिल रही है। रामकृष्ण मिशन आश्रम की अंदर तो एक पवित्र माहौल है, इसका वातावरण सेवा और शिक्षा की अनुकूल है। इस आश्रम तो पूरी शहर को कंट्रोल करने का क्षमता रखता है। शहर की नागरिकों को लिए शुद्ध पानी बनाने के लिए सरकार ने एक बहुत ही मॉडर्न वाटर सप्लाई सिस्टम लागू कर दिया। इससे लोगों को मीठा पानी मिलती है। एक बड़ा सा खेल की मैदान जहां स्कूल कॉलेजों की स्टूडेंट को खेल की शिक्षा भी दिया जाता है। ऐसे में तो कैलाशहर एक छोटी सी शहर है, पर इस शहर में वाहन सेवा दूसरे शहर से कुछ कम नहीं। आसपास की शहर जैसे धर्मनगर, कुमारघाट, कमलपुर जाने के लिए बस, टैक्सी, कमांडर डिलक्स जीप के अलावा ऑटो और छोटे छोटे वाहन भी बहुत मिलते हैं। कैलाशहर की भगवान नगर में एक आश्चर्य आश्रम है जिसका नाम है श्री श्री लक्ष्मी नारायण बाड़ी। इसकी प्रतिष्ठाता हैं श्री श्री कृष्णानंद स्वामी जी। इस मंदिर का एक इतिहास है। आज से 100 साल पहले मंदिर के पास किसी दीघी में पत्थर के रूप में लक्ष्मी नारायण की मूर्ति प्राप्त हुई थी। तभी से इस पत्थर की मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा किया जा रहा है। आश्रम के अंदर हर हिंदू देवी देवताओं की मिट्टी से बनाया हुआ मूर्ति इस मंदिर का एक विशेष आकर्षण है। वाकई बहुत ही सुंदर है ये मूर्तियां। हमने देखा पर दुर्गा माता की रण मूर्ति भी प्रतिष्ठित है, साथ में लक्ष्मी, गणेश, कार्तिकेय, सरस्वती माता की मन भवन कलाकृति भी मौजूद है। इस मूर्तियां में कुछ खासियत भी है। रंग और साइज के अनुसार ये मूर्तियां जागृत मानव जैसा ही लगती है, इसलिए सिर्फ इस मूर्तियों को देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं।
कैलाश शहर में बंगाली के अलावा विष्णुपुरिया मणिपुरी ट्राइबल उपजाति और मुसलमान संप्रदाय के लोग रहते हैं। इस मंदिर में हिंदुओं की कीर्तन पूजा पाठ धर्मसभा साल भर पुण्य तिथि पर मनाया जाता है, लेकिन मंदिर को किसी जाति या किसी संप्रदाय के लोग दर्शन कर सकते हैं। हमारी आंखों के सामने हमें नजर आ रही है एक काले पत्थर जो आज से 100 साल पहले मंदिर की दीघी से प्राप्त हुई है। इस पत्थर में एक साथ बाएं और दाएं लक्ष्मी और नारायण की प्रतिकृति बना हुआ है। इस पत्थर के चेहरा एक जुगल देवताओं के रूप में दिखता है। ये प्रतिकृति स्वामी कृष्णानंद जी की है जिन्होंने ये मंदिर की प्रतिष्ठा की है। इस महान आचार्य देव की बहुत सारे शिष्य और कीर्तियां अमर कथा जैसा है। मंदिर के अंदर एक छोटी सी दुकान है जहां हर देवी देवता की छोटी छोटी मूर्तियां जपमाला पूजा की द्रव्य शिवलिंग ये सब चीजें मिलती है। और यही है वो दीघी जिस पर लक्ष्मी नारायण की पत्थर की मूर्ति मिला था। और इस वीडियो के अंत में हम आपको ये जानकारी दे देते हैं कि उनकोटी जिले में और भी दो टूरिस्ट स्पॉट है, एक तो उनकोटी इको पार्क और दूसरा है उनकोटी तीर्थ भूमि। प्रिय दर्शकों, मौका मिलने से आप कैलाशहर की सफर करें, साथ ही साथ में इन दो जगह को देखने का भी कोशिश करें। इस वीडियो बनाने में हमें बहुत कष्ट करना पड़ता है, इसलिए आप अगर सब्सक्राइब और लाइक की बटन पर क्लिक करके हमें थोड़ी सी उत्साह प्रदान करें तो हमारा ये काम सफल रहेगा।